वालेकुम। असमा किचन में खुश आमदीद। आज मैं आपको मेथी को सुखाने का तरीका बताऊंगी। ये आधा किलो के करीब मेथी थी जिसको मैं 2 दिन पहले लेके आई थी, और इसको मैंने पत्ते उतार के इसको मैंने सूखने के लिए रख दिया था। ये देखें, मेथी खुश्क हो गई हुई है, जिस तरह खुश्क मेथी होती है। ये अभी सीज़न है मेथी का, आप भी लाकर इस तरह सुखा कर रख सकते हैं और इसको एक जार के अंदर बंद कर दें, और जब आपको ज़रूरत हो फिश के अंदर डालने के लिए या आलू पकाने के लिए, बाद में जब मेथी का सीज़न नहीं होता तो वो हम फिर इसको थोड़ी सी करके डाल सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, यकीन करें, इतनी अच्छी खुशबू इसकी आ रही है मेथी की, सूखी मेथी की। अभी मैं इसको किसी जार के अंदर डालती हूँ। ये देखें, ये मेथी किस तरह हो गई हुई है, एकदम से हमारी मेथी खुश्क हो गई हुई है। अब इसको हम एक जार के अंदर डाल के, अंदर हमने ये खुश्क मेथी डाल ली हुई है। ये जब हमें ज़रूरत होगी हम थोड़ी सी निकाल कर किसी भी डिश के अंदर डाल सकते हैं, और ये सारे साल मेथी ख़राब नहीं होती, और घर की बनी हुई ये बहुत ही अच्छी होती है। आप भी ज़रूर बनाएं, ले आए मेथी जो भी, अगर आपके पास बची हुई भी पड़ी हुई है तो आप इसको मेथी को खुश्क करके आप एक जार के अंदर बना के रखें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है। लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलामुअलैकुम।